गाइस, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? तो आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में एक हेयर ऑयल एंड एक शैम्पू का रिव्यू शेयर करूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। और आज मेरे पास है खादी का नेचुरल भृंगराज हेयर ऑयल, और जिसका प्राइस है 220 है गाइस। और ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। और जिसकी क्वांटिटी है वो 210 ml है। और ये हेयर को नरिश करता है, रूट्स को नरिश करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है गाइस, तो हेयर में शाइनिंग लाता है, ऑफ कोर्स लाता है, बट हेयर फॉल, जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ गया है। और वो अभी भी हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए तो ये नहीं अच्छा नहीं है प्रोडक्ट। ओके, मुझे सूट नहीं हुआ है। तो और ये कुछ इस टाइप का है, ब्लैकिश। इसकी जो स्मेल है वो भी काफ़ी अच्छी। सेकंड मेरे पास है खादी का हेयर क्लींजर, और ये इतना लिक्विड ही नहीं है, ये फिनिश हो चुका है गाइस। ओके, और जो इसका प्राइस है वो 210 है। आंवला भृंगराज क्लींजर है ये भी खादी का, और ये भी आयुर्वेदिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो 210 ml है। और ये रियली में बहुत अच्छा है शैम्पू, इससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है। ओके, अगर आपको हेयर फॉल है तो आप एक बार इस शैम्पू को ज़रूर यूज़ करिए। बट इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसको आप बालों में आप ऑयलिंग करते हो, और नेक्स्ट डे आप जब आप वॉश करते हो तो आप 2 times लगाओ या 3 times लगाओ, आप एक बार में इससे बालों में से ऑयल नहीं जाएगा। बस यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, बट ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है, एक बार ट्राई ज़रूर करें जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है, एंड एक शाइन लाता है आपके हेयर में। तो जो इस पे मेंशन है बिल्कुल राइट है, तो काफ़ी अच्छा शैम्पू मुझे ये लगा है। पहले मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है आईज पर, अब इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अब जो भी काजल आई पेंसिल आपके पास में है उससे आईज कॉर्नर पर अप्लाई करना है। अब उसे फिंगर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब अगर आपके पास में आई शेडो है गोल्डन, तो आप आईज के मिडल में उसको यूज करें। मेरे पास हाइलाइटर है तो मैंने इसी को यूज किया है। अच्छे से ब्लेंड कर लें। लास्ट में मैंने लाइनर अप्लाई किया है।
लास्ट में मैंने मेरे पास वाइट काजल था, मैंने वो भी अप्लाई किया है। और बताइएगा गाइज आपको स्मोकी गोल्डन स्मोकी आई लुक कैसा लगा है।